So coming to the next linkage and recombination, we have the next topic as pedigree analysis. Pedigree analysis में बेटा हमने चार चीजों में से हमें आंसर में पक्का से आएगा ये क्वेश्चन, राइट? व्हाट आर द फोर थिंग्स यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रेट एज ऑटोसोमल और एलोसोमल, ठीक है? ऑटोसोमल होगा या एलोसोमल होगा ये बताना है आपने. देन आप बताएंगे इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है? हो सकता है आपसे क्वेश्चन में सिर्फ डोमिनेंट और रिसेसिव के ऊपर पूछ लिया जाए द डिजीज इज व्हाट, दैट इज ऑटोसोमल है या एलोसोमल है या डोमिनेंट है या रिसेसिव है, या आपको पेयर्स बना के पूछे जा सकते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव, एलोसोमल डोमिनेंट और एलोसोमल रिसेसिव. तो ये चार ऑप्शंस बनते हैं हमारी एबीसीडी, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी चार ऑप्शंस हमारे पास आ रही है, हमने पेडिग्री को एनालाइज करना है. पेडिग्री एनालिसिस के लिए फॉर द टू ओनली वन मेथड इज देयर, दैट इज द जनरेशंस. फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी दैट द थ्री जनरेशंस दैट यू आर गिवन, कई बार दो देते हैं कई बार तीन देते हैं, मैं हाइपोथेटिकल बना रही हूँ. तो दिस इज नंबर वन जनरेशन, दिस इज नंबर टू जनरेशन, एंड देन यू विल बी गेटिंग द थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन इज कंसिडर्ड एज टू बी द करंट जनरेशन, ठीक है? थर्ड जनरेशन जो होती है इसको आपने करंट जनरेशन लेके चलना है, और उसके बाद ये पेरेंट्स हो गए, ये ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ठीक है? पहला कंसेप्ट ये वाला है. अब यहाँ पे लेट से हमने ये ऑफस्प्रिंग्स आए हैं आगे, ठीक है? फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन सेकेंड ऑफस्प्रिंग्स मिले, नेक्स्ट जनरेशन में दिस इज अगेन गेटिंग द मेटर विद एंड रिजल्टिंग इन टू द फर्दर थ्री ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स लेट से, एंड दैट इज लाइक दिस, ठीक है? तो ये कुछ हाइपोथेटिकल मैंने व्यू बनाया है. सो दिस इज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन, राइट? अब आपने देखना क्या है, ऑटोसोमल एलोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव. जब तो ये एलोसोमल होगा तो पहला कंसेप्ट हमारे पास आता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का, जिसमें अगर करंट जनरेशन की फीमेल इन्फेक्टेड है तो अप जनरेशन का इसमें मेल इन्फेक्टेड आपको नजर आएगा. अगर ये फीमेल इन्फेक्टेड है तो इसी जनरेशन का मेल, वो उसका फादर नहीं, उसी की जनरेशन में कहीं पे मेल भी अगर इन्फेक्टेड आपको नजर आ रहा है, और उसके ऊपर जनरेशन में आपको फादर जो मदर है वो इन्फेक्टेड नजर आ रही, अगर ये तीन इन्फेक्शन नजर आ रही है आपको, दैट इज इन अ क्रिस क्रॉस पैटर्न, दैट इज द फीमेल टू मेल टू फीमेल. एक्चुअली ये इसी की चाइल्ड होनी चाहिए थी, ये उलट बना दिया, हम यहाँ पे बनाते हैं लेट्स. तो ये इसी की चाइल्ड होनी चाहिए, ये डॉटर जो है उसमें इन्फेक्शन आएगी. अगर इसके फादर में है तो वो इन्फेक्शन आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है? अगर ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, सो दिस इज लेट्स से द अदर क्रॉस, एंड इफ इट इज एलोसोमल तो क्या होगा, द ग्रैंड मदर गिव्स इट टू द फादर गिव्स इट टू द ग्रैंड डॉटर, तो ये वाला इन्फेक्शन आना चाहिए, ठीक है? इफ दीज थ्री आर इन्फेक्टेड मीन्स इट इज एलोसोमल, एंड इफ इन ऑल जनरेशन वी आर गेटिंग इट, इट इज डोमिनेंट. If we are not looking onto a generation which is having a single generation is not having the trait, shading नहीं है, trait नहीं है, तो वो recessive हो जाएगा, ठीक है? तो वो trait recessive हो जाएगा. तो अभी ये फिलहाल तीनों में present है, dominant है, क्रिस क्रॉस inheritance दे रहा है जिसमें female, male, female इस तरह चले, या उल्टा भी हो सकता है, male, female, male. अगर ये इस तरह से आ रहा है so that is it is giving the allosomal condition. If this is not showing the condition, यहाँ पे नहीं था ये condition में, और ये female 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 को infect कर रहा है, this is यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, it is not following the crisscross inheritance, not following, ठीक है? This will be considered as further. अब ये देखो हमारे पास दो trees हैं, पहली चीज तो ये autosomal हो गया, done, क्योंकि ये crisscross follow नहीं कर रहा, autosomal हो गया. अब dominant है कि recessive है, ये बताओ, ये डोमिनेंट है या रिसेसिव? मैम रिसेसिव होगी, रिसेसिव होगा, क्यों? क्योंकि मैम जनरेशन उसमें अलग जनरेशन में भी आ गया ना, एक जनरेशन में एब्सेंट, थर्ड जनरेशन के उसमें, थर्ड जनरेशन में है तो सेकंड में नहीं था, फर्स्ट में था, तो यहाँ नहीं है, मतलब इसके अपने ऑफस्प्रिंग में जब ये नहीं है करेक्टर आगे आ रहा है तो मींस इट इज रिसेसिव, ठीक है? ऐसे ही अब इधर देखो, अगर ये मदर ने अपने डॉटर को ये ट्रेड दिया था, सन को नहीं दिया, डॉटर को ट्रेड दिया, लेकिन उसके आगे नहीं दिया, हमने तीनों में शेड नहीं ना बनाया, तो ये ट्री भी हमें ये बोलता है इट इज रिसेसिव, दिस ट्री आल्सो गिव्स अस रिसेसिव, दिस ट्री आल्सो गिव्स अस रिसेसिव. सो अंडर दिस कंडीशन इट इज रिसेसिव व्हेन इट इज ईदर एब्सेंट इन वन जनरेशन और मोर, देन इट इज रिसेसिव.
ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको डिसाइड करना है. जो भी आपको डिजीजेस दी होंगी, जो भी पेडिग्री एनालिसिस, अब पेडिग्री एनालिसिस में ऐसा कुछ श्योर नहीं है कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी वाले पेडिग्रीज ही आएंगे, ये कहीं से भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं. बट द ओनली कंसेप्ट इज यू हैव टू जस्ट सी थर्ड जनरेशन इज द करंट जनरेशन, गो बैकवर्ड्स एंड देन सॉल्व द आंसर. ये क्वेश्चन मेनली हमें इन चार ऑप्शंस के साथ आने को है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एलोसोमल डोमिनेंट, एलोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे एक और तरह का क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज द जीनोटाइप. तो जीनोटाइप के लिए मैंने जैसे कल परसों में हमने बात करी थी ब्लड ग्रुप्स की, अगर आपको ऑफस्प्रिंग्स का पता है तो दोनों जीन्स आपने पेरेंट्स की तरफ भेज देनी है एंड वहां से आप फिगर आउट कर सकते हो व्हाट विल बी द जीनोटाइप, ठीक है. तो सेम मेथड विल बी फॉलोड हियर. लेट्स से दिस इज रिसेसिव एंड ऑटोसोमल, है ना. तो ऑटोसोमल है इसलिए हमने इसको एक्स वाई से नहीं डिनोट करना, वी विल बी डिनोटिंग इट एज ए, ठीक है. रिसेसिव है तो स्मॉल ए, क्योंकि रिसेसिव अपने आप को तभी एक्सप्रेस करता है व्हेन इट इज अंडर द होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, ठीक है. तो यहाँ पे हमने ट्रेड दे दिया स्मॉल ए स्मॉल ए. नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस फीचर ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स का क्या होगा, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस होगा, पेयर फैक्टर यहाँ पे है. और दूसरी चीज, ये दोनों इन्फेक्टेड नहीं है, तो ये क्या होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव होंगे या हेटेरोजाइगस होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे. तो ये दोनों क्योंकि इन्फेक्टेड नहीं है तो इसलिए ये हेटेरोजाइगस होंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए. नाउ अगेन, अब आपको ग्रैंड मदर का ढूंढना है, तो ये फीचर आया दोनों में से, ठीक है. ये इन्फेक्टेड नहीं है, ये इन्फेक्शन शो कर रही है, मैंने डॉट्स लगाई हैं बट एक्चुअली ये पूरा शेडेड होगा, ठीक है. तो ये क्या है, जब वो इन्फेक्शन ग्रैंड मदर शो कर रही है कैपिटल ए स्मॉल ए में से, उसके पास ऑब्वियस स्मॉल ए आएगा तभी तो इन्फेक्शन दे रहा है, होमोजाइगस रिसेसिव चाहिए. तो यहाँ हमने स्मॉल ए दे दिया, यहाँ हमने कैपिटल ए दे दिया, बट दिस इज अंडर द ब्लैंक अगेन, इट विल बी हैविंग द अदर कैपिटल ए और इवन स्मॉल ए, क्योंकि वो अपना करेक्टर शो नहीं कर रहा है ना. तो रिसेसिव ट्रेट इसमें नहीं है, होमोजाइगस रिसेसिव ये नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे इसने ट्रेट शो किया तो यहाँ ब्लैंक नहीं डाल सकते, ब्लैंक नहीं डालोगे, क्यों, क्योंकि अगर कैपिटल ए आ गया तो फिर तो ये ट्रेट शो नहीं करेगा जैसे ये बाकी वाले, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स है, दिस इज ऑल स्मॉल ए स्मॉल ए ओनली, वेयर सो एवर वी आर गेटिंग द ट्रेट, ठीक है. तो इस तरह से आपको सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी जीनोटाइप पूछा जा सकता है. यू विल बी गिवन नंबरिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स 1, 2, 3, 4, इस तरह से आपको ऑर्गेनिजम्स का काउंट दे दिया जाता है. एंड देन यू विल बी आस्क्ड दैट आइडेंटिफाई द ट्रेट, मैच में आ सकता है, ट्रेट मैचिंग में आ सकती हैं, ब्लैंक की फॉर्म में आ सकती हैं, आइडेंटिफाइड ट्रेट कला आ सकता है, जीनोटाइप के साथ आ सकता है, ठीक है. तो मैच द ट्रेट विद द जीनोटाइप्स ऑफ द लेट्स से फोर्थ एंड सिक्स्थ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यहाँ थर्ड एंड सिक्स्थ ऑर्गेनिज्म. तो इस तरह से आपने तीन चीजें मैच करनी है. पहली तो आपने मैच करनी है कि कंडीशन क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव और जो भी आपकी कंडीशन है, जैसे ऑटोसोमल रिसेसिव यहाँ पे. सेकेंड आपका मैच आ गया थर्ड वाले ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप, फोर्थ थर्ड वाला मैच आपका आ गया सिक्स्थ वाले ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप, ठीक है. तो तीन चीजें मैच में जा रही हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है, ओके. सो दिस वॉज पेडिग्री एनालिसिस, बट दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्वेश्चन हमेशा से रहा है इन योर थ्योरी पेपर एज वेल. सो ऑब्वियसली आपके इसमें एमसीक्यूज में तो जरूर से आएगा, ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज द डिसऑर्डर्स. डिसऑर्डर्स में हमने दो तरह के डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, वन आर मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल. मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हमने दो पढ़े हैं. मेंडेलियन में भी तीन और क्रोमोसोमल में भी तीन क्रोमोसोमल, राइट. सो दिस इज बोथ मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल, थ्री ईच, राइट. मेंडेलियन में हमारे पास सबसे पहला कौन सा डिसऑर्डर है, दैट इज हीमोफीलिया. हीमोफीलिया ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिजीज, राइट. व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस हीमोफीलिया डिजीज, वेदर इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, एलोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एलोसोमल डोमिनेंट. हाँ जी मैम, ये सेक्स लिंक है. रिसेसिव एलोसोमल और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है ये.
What is it because of? What is the cause for this? What is the cause or the reason for the hemophilia disease? Anji, this is a lack of one protein which is responsible for the blood clotting. ठीक है, lack of blood clotting protein. जो एक blood clotting process है ना, उसमें बहुत सारे factors वगैरह लगते हैं, proteins लगती हैं. उनमें से उसके पूरा एक बंच या कह सकते हो पूरा एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स जो रिक्वायर्ड है, उनमें से अगर एक लॉस्ट हो जाता है, दैट इज द प्रोटीन लॉस्ट हो जाता है, देन वी कॉल इट एज द एलोसोमल रिसेसिव डिजीज. बिकॉज दिस इज अ एलोसोमल डिजीज है ना, तो बीइंग एन एलोसोमल यानी इट इज कंसर्न विद द एक्सेस क्रोमोसोम्स. अब एक्स क्रोमोसोम्स पे भी बात आती है कि हीमोफीलिया जो एक होमोजाइगस हीमोफिलिक फीमेल है वो सर्वाइव नहीं करेगी. राइट, मींस इफ द करेक्टर ऑफ हीमोफीलिया दैट इज दिस एब्सेंस ऑफ दिस प्रोटीन इज कैरिड बाय बोथ द एक्स क्रोमोसोम्स, देन डेफिनेटली दिस फीमेल इज गोइंग टू डाई, दिस विल नॉट सर्वाइव फर्दर. ठीक है, इफ इट इज अ हेटरोजाइगस फीमेल देन ओनली इट इज गोइंग टू सर्वाइव. इवन If it is a male which is hemophilic like this, तो भी ये survive करेगा. क्यों? क्योंकि इसके पास Y है जिसमें code नहीं है. Only under the condition when it is a homozygous X condition for a female, then it is a condition where the organism will not survive. The heterozygous females which are known as the carriers, they will be only surviving, but the homozygous hemophilic females जो होंगी वो सर्वाइव नहीं करेंगी. सो वट कैरीज द ट्रेट टू द नेक्स्ट जनरेशन? यस, वट कैरीज द ट्रेट टू द नेक्स्ट जनरेशन? इट इज अ मैम जीन, इट इज अ हीमोफिलिक फीमेल है ना. फीमेल आगे लेके जा रही है ना नेक्स्ट जनरेशन में करेक्टर. अगर हम आगे करेक्टर की बात कर रहे हैं, हीमोफिलिक मेल भी होना चाहिए और हीमोफिलिक हेटरोजाइगस हीमोफिलिक फीमेल होनी चाहिए. ठीक है, हेटरोजाइगस नॉट होमोजाइगस. अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं देन ऑब्वियसली देयर विल बी अ ट्रेट इन द नेक्स्ट जनरेशन. राइट, बट इफ दिस इज मेटेड विद अ नॉर्मल मेल, नो ट्रेट. इफ दिस इज गिवन बाय द नॉर्मल फीमेल, नो ट्रेट. ओनली करियर, करियर जरूर बनेंगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल्स, लेकिन जब भी हीमोफिलिक बनाना है तो दीज आर द टू कंडीशन रिक्वायर्ड. तो क्वेश्चन आपको इस तरह से क्रॉस पे भी आ सकता है, आपको कंडीशन दिया जा सकता है लाइक इन द नेक्स्ट जनरेशन देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ द और द फॉर्मेशन ऑफ अ हीमोफिलिक फीमेल along with a normal male and a carrier female and a hemophilic male. So what is the genotype of the two parents? So these are the two parents. ठीक है, इसमें देखो ये normal male बनाएगा. ठीक है, ये हमें बनाएगा hemophilic female, ये बनाएगी carrier female और ये बनाएगा hemophilic male. ठीक है, so combinations यहीं से मैंने सारे बोले. So this is going to be the genotype of the parents. If the hemophilic male and the female are possible in the next generation, okay? So इस तरह के questions आपको इनके basis पे भी आ सकते हैं, cross based question यहाँ से भी आ सकते हैं. ठीक है जी. So coming to the next, that is one second. And the second disease कौन सी है Mendelian? मैम color blindness. And जी? Color blindness. Color blindness is not there in your NCERT. इट इज सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइल केटोनुरिया. ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस का कंसेप्ट नहीं करना है हमने. कलर ब्लाइंडनेस आई गेस अगर पीछे दी हुई है दैट इज इन योर रेफरेंस मटेरियल देन यू हैव टू डू, अदरवाइज डोंट डू दैट. राइट, हाँ जी. सो नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी. द सेकेंड इज सिकल सेल एनीमिया. बताओ वट इज सिकल सेल एनीमिया बिकॉज ऑफ, वट इज द रीजन? यस, पहले नेचर बताइए. वैलिन आ जाता है सिक्स्थ क्रोमोसोम. हां, सिक्स्थ पोजीशन किसकी? किसकी सिक्स्थ पोजीशन? हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में सिक्स्थ पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है. ग्लूटामिक एसिड की जगह पे आता है पर सिक्स्थ में वैलिन आ जाता है. आपकी आवाज तो आ रही है. ग्लूटामिक एसिड. अरे वो ठीक है, वो समझ गई मैं आपकी बात. ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, पर मैं कह रही हूँ सिक्स्थ पोजीशन कहाँ पे है, किस डीएनए पे, किस चेन में, किस स्ट्रक्चर में है?
सिक्स्थ पोजीशन कहाँ है, किसकी है सिक्स्थ पोजीशन? हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा था इलेवेंथ में। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में दो अल्फा चेन्स होती हैं, लिसन, दो अल्फा चेन्स होती हैं, दो बीटा चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में, ठीक है? सो इट इज इन अ बीटा चेन, बीटा ग्लोबिन चेन हम बोलते हैं इसको। बीटा चेन की सिक्स्थ पोजीशन में चेंज आता है, सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। सो बीटा चेन की सिक्स्थ पोजीशन पे ये चेंज आता है जिसमें जो ग्लूटामिक एसिड है, दिस इज ग्लूटामिक एसिड दैट गेट्स कन्वर्टेड टू वैलिन बिकॉज ऑफ अ सिंगल नाइट्रोजनस बेसिस चेंज। एंड व्हाट इज दैट? ग्लूटामिक एसिड वाज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ जीएजी, इट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ जीएजी। एंड नाउ ऑन द वैलिन साइड व्हाट इज प्रोड्यूस्ड? जी यू जी, ठीक है, ए की जगह पे यू लग गया, जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड के बजाय सब्स्टिट्यूशन हो गया, अब यहाँ पे वैलिन आ गया। इसके आने से क्या होगा? पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ऑल्टर हो गया, बनना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड, बन गया वैलिन। अब जब पूरा स्ट्रक्चर इसमें ऑल्टर हो गया, हम इसको नाम देते हैं एज द म्यूटेंट वराइटी, द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन। म्यूटेंट हीमोग्लोबिन जो है अंडर द कंडीशन ऑफ लो ऑक्सीजन टेंशन इट अंडरगोज पॉलीमराइजेशन। जो म्यूटेंट होमोग्लोबिन है, यानी ये जो चेंज हो गया हीमोग्लोबिन, ये क्या करेगा? अंडर द लेस ऑक्सीजन टेंशन इट अंडरगोज पॉलीमराइजेशन एंड हेंस रिजल्टिंग इनटू द चेंज ऑफ द शेप। व्हाट इज द चेंज इन द शेप? शेप ऑफ आरबीसीज। व्हाट इज द इनिशियल शेप ऑफ आरबीसीज? इट इज राउंड होती है, ओवल, डिस्क शेप। डिस्क शेप होती है आरबीसी की, एंड फ्रॉम द डिस्क शेप इट कन्वर्ट्स इनटू द इलोंगेटेड सिकल सेल शेप, है ना? सिकल सेल बन जाते हैं, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। सो डिस्क शेप से इलोंगेटेड शेप हो जाता है, पॉलीमराइजेशन से पॉलीमराइजेशन हो रही है म्यूटेंट एचबी की अंडर दिस कंडीशन, लो ऑक्सीजन टेंशन। लो ऑक्सीजन टेंशन मीन्स क्योंकि वहां पे शेप चेंज हो गया है, डिस्क की वजह इलोंगेटेड हो गया है। अब इसकी जो एक करेक्टरिस्टिक फीचर थी हमारे आरबीसी की, टू हैव द अफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन, वो लॉस हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, इसलिए ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम पड़ना शुरू हो जाता है। हेंस कम पड़ते पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो इलोंगेट होना शुरू हो जाता है, स्ट्रक्चर इसका चेंज हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है। तो दिस इज द रीजन एंड ऑल्सो द पर्सन दैट लीड्स टू दिस एनीमिक कंडीशन। एनीमिक मीन्स लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड लॉस, लेस ब्लड इज देयर और द लेस ऑफ द ब्लड अवेलेबिलिटी इज देयर फॉर इट्स फंक्शन, सो दैट इज द एनीमिक कंडीशन, ठीक है? सो दिस इज सिकल सेल एनीमिया। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस? इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट। क्या है ये? मैम ये भी वो है ऑटोसोमल रिसेसिव। यस, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव, इट इज नॉट लिंक्ड विद द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। ओके, सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस? दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव। नाउ द थर्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर इज फिनाइल कीटोनूरिया। फॉर दिस डिजीज फिनाइल कीटोनूरिया, व्हाट इज द फर्स्ट नेचर ऑफ दिस? इज इट एलोसोमल, ऑटोसोमल रिसेसिव, डोमिनेंट? ऑटोसोमल रिसेसिव, इट इज सेम, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है? तो ये सेम है सिकल सेल के जैसा, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? इसमें फिनाइल एमीन टाइप में कन्वर्ट नहीं होता। हाँ, फिनाइल एनिलिन जो है वो कन्वर्ट होता है टायरोसिन में बिकॉज ऑफ अ एंजाइम और प्रोटीन, वी कैन से, और एन एंजाइम। सो दैट एंजाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन इज नॉट देयर, ठीक है? सो फिनाइल एलेनिन जो है वो एक्युमुलेट होता रहता है हमारी बॉडी में, फिनाइल एलेनाइन को एक एंजाइम कन्वर्ट करता है इनटू द टायरोसिन, ठीक है? लेकिन वो टायरोसिन में अब कन्वर्ट नहीं हुआ, राइट? दिस इज टायरोसिन, सॉरी टायरोसिन नहीं, टायरोसिन, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन क्या होगा? दैट इज, इट इज एक्यूमुलेटेड विद इन द बॉडी। फिनाइल एलेनिन की एक्यूमुलेशन से, क्योंकि ये एक्यूमुलेट होता जा रहा है टायरोसिन में, बदल नहीं रहा, तो ये फिनाइल एलेनिन एक एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ एन एसिड बाय द टाइम फिनाइल पाइरुविक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है, एंड हेंस दिस गेट्स द चेंजेस व्हिच आर सीन इन द ब्रेन।
So the person who is having or who is suffering with this particular disease is mentally retarded because of this acer, which is accumulated with the brain cells, right? Clear? And what is this acid called as? It is phenylpyruvate acid. Okay, phenylpyruvate acid में phenylalanine convert हो जाती है, जिसकी वजह से tyrosine नहीं बना, and hence जब भी नहीं बना, तो ये आगे further क्या है? Accumulations that lead to the mental retardation of the person. So these are the Mendelian disorders, right? The three Mendelian disorders. Now coming to the chromosomal side. Chromosomal disorders आपने कौन-कौन से पढ़े? सबसे पहला Down syndrome. हाँ जी. मैम Down syndrome Turner and Klein filter. This is Down syndrome because of what is the reason for Down syndrome? Klinefelter or Turner तीन है हमारे पास. Down syndrome का reason क्या है? मैम aneuploidy हो जाती है 21st chromosome की. It is 21 trisomy. ठीक है 21 trisomy at 21st position it leads to the three chromosomes which are formed here and so this person will be also mentally retarded होता है. Palm creases उसकी बहुत ज़्यादा broad होती हैं, deep होती हैं. ठीक है सो ये ओपन माउथ रहता है, फ्लैट एंड बिग फोरहेड रहता है, सो ऐसा. ठीक है प्रोट्रूडेड आईज एंड ऑल. नेक्स्ट इज अ क्लाइनफेल्टर्स. क्लाइनफेल्टर्स इज व्हाट? बिकॉज ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज हैविंग हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? मैम इसमें एक्स एक्स वाई होता है. हाँ एक बढ़ जाता है, 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं एंड देयर इज एन एडिशनल एक्स व्हिच इज एडेड. ठीक है एडिशनल एक्स एडेड, एक्स वाई में एडिशनल एक्स एडेड हो जाता है तो ये हमारे पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है. और अगर ये एक लॉस्ट हो जाए यानी कि 46 की बजाय 45 रह जाए सो दिस लीड्स टू द टर्नर सिंड्रोम वेयर द कंडीशन इज एक्स नॉट. ओके इनिशियली इट वॉज एक्स एक्स वाई, नाउ टर्नर्स के लिए इट इज एक्स नॉट एंड द कंडीशन दे विल बी हैविंग द रूडिमेंट्री टाइप ऑफ द ओवरीज एंड एवरीथिंग यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में. और यहाँ पे मेस्कुलाइन फीचर्स हो जाएंगे सारे, दैट इज ऑफ द मेल. ठीक है ओवरऑल मेस्कुलाइन डेवलपमेंट जो है वो नजर आती है, बट अदरवाइज दीज टू आर इनफर्टाइल. ठीक है क्लाइनफेल्टर एज वेल एज टर्नर्स आर इन.